Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next chapter. This is chapter number 4 and it is structure of atom. So listen, this is the next unit of your syllabus and it is structure of atom. So in this chapter first we will discuss what is fundamental particles of an atom. तो किसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं. सो लिसन, एटम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल. एटम जो होता है वो बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है एंड दैट टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. और वही टिनी पार्टिकल या वही छोटे छोटे पार्टिकल या वही छोटे छोटे कण क्या बोले जाते हैं, इसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स. जनरली वी हैव लिसन, जनरली हम लोग सुनते हैं लिसन, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमारे जनरली फंडामेंटल पार्टिकल बोले जाते हैं. बट लिसन, देयर आर सम अदर पार्टिकल्स आल्सो. लेकिन एटम में कुछ अदर पार्टिकल्स भी होते हैं. So listen, we can classify the fundamental particle of an atom into two type. So fundamental particle of an atom can be classified into two type. So first one is stable fundamental particle. It means those particle which can stable outside the nucleus. It means ऐसे fundamental particle जो कि nucleus के बाहर क्या करते हैं, कुछ समय के लिए exist कर सकते हैं या ठहरते हैं, then that fundamental particles are called as stable fundamental particle like electron, comma proton and neutron. But those fundamental particle which exist outside of the nucleus for any instant, it means ऐसे fundamental particle जो किसी क्षण के लिए nucleus के बाहर exist करते हैं, then that fundamental particle are called as unstable fundamental particle. Generally they are called as pi meson. ऐसे पार्टिकल को जनरली हम लोग पाई मेसान कहते हैं. तो पाई मेसान जो है ये तीन तरह के होते हैं. एक होता है पाई नेगेटिव, एक होता है पाई पॉजिटिव, एक होता है पाई न्यूट्रल. इट मीन्स ऐसा पाई मेसान जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो पाई नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पाई पॉजिटिव, और अगर जीरो चार्ज है तो पाई जीरो. इट मीन्स एटम हैज टू टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. फर्स्ट वन इज स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, दे आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड सेकेंड इज अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, दे आर पाई मेसॉन्स, पाई माइनस, पाई प्लस एंड पाई जीरो. तो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, एग्जिस्ट कर सकते हैं, देन दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स आर स्टेबल. स्टेबल मतलब वो रुकेंगे कुछ देर के लिए. बट अनस्टेबल मीन्स वो किसी क्षण के लिए रुकेंगे, ज्यादा देर के लिए वो रुक नहीं सकते या ज्यादा देर के लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, देन दैट फंडामेंटल पार्टिकल आर अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स.